भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज खत्म होने के बाद अब भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 22 जुलाई को तीन ओडीआई मैच की सीरीज में मैदान पर उतरेगी। इसके लिए टीम इंडिया चार्टर्ड ट्रेन से त्रिनिदाद पहुंच चुकी है। इस सीरीज में भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है और शिखर धवन टीम की कप्तानी करने वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार यानी 20 जुलाई को राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेने जा रहे भारतीय दल के साथ संवाद करेंगे। पीएमओ की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होने वाले इस संवाद में एथलीटों के साथ साथ उनके कोच भी शामिल होंगे। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा अपने भाले को 90 मीटर तक फेंकना चाहते हैं। दूसरी ओर अमेरिका के यूगेन में चले विश्व चैंपियनशिप के दौरान वो दूरी के बजाय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर फोकस कर रहे हैं। विश्व चैंपियनशिप में नीरज का क्वालिफाइंग राउंड 21 जुलाई से होगा। भारत के दिग्गज शूटर मिराज अहमद खान ने सोमवार को चांगवन में इतिहास रच दिया। उन्होंने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में मेंस स्केट इवेंट में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। 46 साल के उत्तर प्रदेश के मिराज ने 40 शॉट फाइनल इवेंट में 37 का शानदार स्कोर बनाया और कोरिया के मिनसू किम और ब्रिटेन के बेन लेवलिन को हरा दिया। विश्व यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बीते माह रजत पदक जीतने वाली महाराष्ट्र की आकांक्षा व्यवहार ने रविवार को ताशाकंद में खेली जा रही एशिया यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग में 5 पदक जीत लिया। 15 साल की आकांक्षा ने 40 भार वर्ग में कुल 125 किलो वजन उठाया। उन्होंने स्नैच में 55 और क्लीन एंड जर्क में 70 किलो वजन उठाया। भारतीय टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से जीत हासिल कर दी। इस जीत के साथ ही भारत ने कई रिकॉर्ड बनाए और ICC वनडे रैंकिंग में भी अपनी स्थिति मजबूत कर दी। अब तीसरे स्थान पर मौजूद भारत की स्थिति और भी मजबूत हो गई है। चौथे नंबर पर मौजूद पाकिस्तान के लिए भारत पीछे करना मुश्किल होगा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में 10 विकेट से शानदार जीत हासिल करने के बाद भारत ने पाकिस्तान को ICC रैंकिंग में पीछे किया। भारत को ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी और हार्दिक पांड्या के ऑलराउंड प्रदर्शन ने मैच जिताया। हार्दिक ने मैच में 55 गेंदों पर 71 रन की पारी खेली। इसके अलावा उन्होंने 4 विकेट भी छक्के। हार्दिक ने मैच में कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। भारत की ओर से किसी एक वनडे मैच में 50 से ज्यादा रन बनाने और 4 रन से ज्यादा विकेट लेने वाले 5वें खिलाड़ी बने। हार्दिक से पहले के श्रीकांत, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और युवराज सिंह ऐसा कर चुके हैं। जाते जाते आपके लिए एक सवाल, सबसे ज्यादा WWE चैंपियनशिप बेल्ट जीतने का रिकॉर्ड किसके पास है? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।